हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैपिंग जीके। सो गाइज, ये पार्ट वन वीडियो है स्पोर्ट्स जीके का विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इस वीडियो में हम ऑल जेंट के स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो गाइज, वीडियो के एंड में 10 क्वेश्चंस का क्विज टेस्ट है, वो क्विज टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करें। सो गाइज, दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलर स्पोर्ट्स इन जेएंडके की, तो कौन कौन से पॉपुलर स्पोर्ट्स जेएंडके में खेले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवेंचर स्पोर्ट की, देन हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड मेडल्स की, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो जेएंडके का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एसोसिएशन की, जो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक ओवरव्यू होगा, ब्रीफ ओवरव्यू होगा। जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मेनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन जेएंडके। जेएंडके में कितनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है? तो गाइस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द कैप्टन ऑफ जेएंडके पैरा क्रिकेट टीम। तो जेएंडके की जो पैरा क्रिकेट टीम है उनके कैप्टन कौन है? तो गाइस, आमिर हुसैन लोन जो है ये जेएंडके पैरा क्रिकेट टीम के कैप्टन है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द वुमेन हु बिकम जेएंडके फर्स्ट फीमेल स्नो रेसर। तो गाइस, डॉक्टर शर्मीन मुश्ताक निजामी जो है ये जेएंडके की फर्स्ट फीमेल स्नो रेसर हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, तजम्मुल इस्लाम, ये एक 9-year-old गर्ल है जो कि वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियन है। तो गाइस, ये जो इवेंट है ये इटली में इवेंट हुआ था और इसमें तजम्मुल इस्लाम ने गोल्ड मेडल जीता था और ये वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियन बनी। तो गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज चैन सिंह। चैन सिंह कौन है? तो चैन सिंह जो है ये इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं और ये भी जम्मू के। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फर्स्ट इंडियन ओलंपियंस हु रिप्रेजेंट इंडिया इन विंटर ओलंपिक गेम्स। तो गाइज, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुल मुस्तफा देव। जो गुल मुस्तफा देव है ये फर्स्ट इंडियन ओलंपियंस है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था विंटर ओलंपिक्स गेम्स में। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द जेएंडके फर्स्ट फुटबॉलर टीम कैप्टन हु कैप्टन द टीम ड्यूरिंग 1987 नेहरू कप। तो गाइस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अब्दुल मजीद कुरकू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परवेज रसूल बॉट बाय सनराइजर हैदराबाद इन 2014 आईपीएल इन रुपीस डैश। तो कितने रुपीस में परवेज रसूल को सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा था 2014 के आईपीएल में? तो गाइस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 95 लाख। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मैराथन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट मैराथन है वो कौन सी है? तो गाइस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लद्दाख मैराथन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट आईपीएल प्लेयर फ्रॉम जेएंडके। जम्मू कश्मीर का वो कौन सा प्लेयर है जिसने फर्स्ट टाइम आईपीएल में सिलेक्ट हुआ था? तो गाइस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, परवेज रसूल। परवेज रसूल जो हैं ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट आईपीएल प्लेयर हैं जो कि जिनका सिलेक्शन आईपीएल में हुआ था। तो गाइस, ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ठीक हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं जेएंडके में जो खेले जाते हैं वो हैं क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, वाटर स्पोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट, मैराथन्स। जेएंडके ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। तो गाइस, पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट जो है ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है जेएंडके में आफ्टर फुटबॉल। मतलब कि पहले नंबर पर फुटबॉल आता है, देन आफ्टर क्रिकेट आता है। और रिसेंटली इरफान पठान जो है उन्होंने चार्ज लिया है मेंटर एंड कोच का जेएंडके क्रिकेट सिलेक्शन टीम के लिए। ऑन 7 सितंबर 2018 इरफान पठान होल्ड्स क्रिकेट सिलेक्शन इन कश्मीर, यानी कि 7 सितंबर 2018 को इन्होंने चार्ज लिया है। द टीम पार्टिसिपेटेड इन इवेंट्स लाइक, जो जेएंडके की क्रिकेट टीम है ये पार्टिसिपेट करती है लाइक रणजी ट्रॉफी में और विजय हजारे ट्रॉफी में। सम पॉपुलर प्लेयर्स कम फ्रॉम दिस रीजन इंक्लूड परवेज रसूल, मिथन मनास एंड मंजूर डार हु हैव प्लेड T20 आईपीएल मैचेस फॉर द टीम ऑफ सनराइजर हैदराबाद एंड किंग्स 11 पंजाब। तो गाइस, पहले हम देखेंगे परवेज रसूल के बारे में। तो परवेज रसूल जो है इनका पूरा नाम है परवेज रसूल जरगर। ये राइट हैंड बैट्समैन है, बॉलर भी, ये राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर है और ये कैप्टन है जेएंडके क्रिकेट टीम के।
डोमेस्टिक टीम में इन्होंने 2009 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था और अभी तक ये टीम में ही है। सो गाइज 14 फरवरी 2013 में उन्होंने आईपीएल में अपने कैरियर की शुरुआत की थी और ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट आईपीएल प्लेयर हैं और उन्होंने अपना पहला मैच जो है आईपीएल का वो पुणे वॉरियर की टीम में खेला था। और गाइज 2014 के आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद ने परवेज रसूल को 95 लाख में खरीदा था। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथुन मनास के बारे में। मिथुन मनास जो है ये भी एक राइट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड ही ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं और रोल जो इनका है वो ऑलराउंडर है और कभी कभार ये विकेट कीपिंग भी करते हैं और इन्होंने आईपीएल का फर्स्ट मैच खेला था दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ। सो गाइज इन्होंने आईपीएल का फोर सीजन खेला था पुणे वॉरियर्स के साथ और इनको पुणे वॉरियर्स ने खरीदा था 2,60,000 US डॉलर में। आईपीएल का जो सेवन सीजन है वो चेन्नई सुपर किंग के साथ खेला था और गाइज 15 में इन्होंने जेंट के टीम को ज्वाइन किया था और फरवरी 17 को मिथुन मनास से ये अपॉइंट हुए थे असिस्टेंट कोच ऑफ आईपीएल किसके लिए किंग्स 11 पंजाब टीम के लिए। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे मंजूर अहमद डार, ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर भी है, रोल इनका भी ऑलराउंडर है और डोमेस्टिक टीम में ये 2017 से अभी तक ये खेल रहे हैं। सो गाइस अगर इनके आईपीएल कैरियर की बात करें तो 2018 में इन्होंने अपने आईपीएल कैरियर की शुरुआत की थी विद किंग्स 11 पंजाब। सो गाइस अगर हम अदर क्रिकेटर्स की बात करें जो कि जेएंडके से हैं, उनमें एक जो मोस्ट पॉपुलर नेम है वो जासिया अख्तर का है जो कि फर्स्ट वुमेन है जेएंडके की जिनका सिलेक्शन हुआ था इंडियन वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम में। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास आमिर हुसैन लोन, हु इज द कैप्टन ऑफ जेएंडके पैरा क्रिकेट टीम। जो आमिर हुसैन लोन है ये जेएंडके की जो पैरा क्रिकेट टीम है उसके ये कैप्टन है। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं फुटबॉल इन जेएंडके। फुटबॉल जो है ये मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है जेएंडके का। ये जेएंडके में लाया था टिंडेल बिस्को ने 1891 और 92 में। सो गाइस जो फर्स्ट टीम थी जेएंडके की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था संतोष ट्रॉफी में 1964 में। सो गाइस जेएंडके ने 19 इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, उनमें से अब्दुल मजीद करकू एक हैं जो एक रिटायर्ड इंडियन फुटबॉलर हैं, ये कैप्टन भी रह चुके हैं इंडिया फुटबॉल टीम के ड्यूरिंग 1987 नेहरू कप में, इन्होंने कैप्टन रह चुके हैं और ये फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर कैप्टन है फ्रॉम जेएंडके। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं मैराथन्स के बारे में। तो जो मैराथन्स है ये एक लंबी दौड़ होती है। तो जो अगर हम अपने जेएंडके की बात करें तो हमारे पास दो मैराथन्स है, एक लद्दाख मैराथन्स जिसको के हम द ग्रेट तिब्बतियन मैराथन्स भी बोलते हैं और दूसरी है हमारे पास कश्मीर इंटरनेशनल हाफ मैराथन। और गाइस जो ये लद्दाख मैराथन है इसको रिकॉग्नाइज्ड किया था एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एंड डिस्टेंस रेस ने और ये गाइस जो लद्दाख मैराथन है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मैराथन है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गुल्फ कोर्सेज के बारे में। तो गाइस जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ यहाँ पे गुल्फ कोर्सेज होते हैं। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पास 2 गुल्फ कोर्सेज हैं, नंबर 1 इज कश्मीर गुल्फ क्लब और नंबर 2 इज रॉयल स्प्रिंग गुल्फ कोर्स। और जो ज्वायर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स है ये प्रोवाइड करता है माउंटेनियरिंग, स्कीइंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो जेएंडके जो है ये एक हिली एरिया है और इसमें जो स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये एक ऑफर करते हैं ग्रेट स्कोप ऑफ एडवेंचर को। सो गाइस जो पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जेएंडके के उसमें आइस स्केटिंग आता है, आइस हॉकी आता है, वाटर स्कीइंग आता है, हिली स्कीइंग आता है, पैराग्लाइडिंग आता है, माउंटेनियरिंग आता है एंड स्नोबोर्डिंग आता है। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं अवार्ड्स इन जेएंडके स्पोर्ट्स। जो भी जेएंडके की डोमेस्टिक टीम अच्छा परफॉर्म करती है, जो भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको ये मेडल और ट्रॉफी और अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि शेरे कश्मीर अवार्ड एंड मेडल, महाराजा रणवीर सिंह अवार्ड एंड मेडल, परशुराम अवार्ड एंड मेडल, ब्रिज राजेंद्र सिंह अवार्ड एंड मेडल फॉर मेन, चीफ मिनिस्टर गोल्ड रोलिंग ट्रॉफी, मादरे मेहरबान अवार्ड एंड मेडल। तो गाइस ये कुछ अवार्ड्स और मेडल्स हैं जो विनिंग टीम्स को दिए जाते हैं। सो गाइस अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पास 19 स्टेडियम्स हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर स्टेडियम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे शेरे कश्मीर स्टेडियम जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है, टीआर टर्फ ग्राउंड जो कि फुटबॉल का स्टेडियम है, उसके बाद बख्शी स्टेडियम ये भी एक फुटबॉल का स्टेडियम है, उसके बाद गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज ग्राउंड ये भी फुटबॉल का स्टेडियम है, उसके बाद मौलाना आजाद स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है। तो ये मैंने कुछ पॉपुलर स्टेडियम्स के नाम मेंशन किए हुए हैं, लेकिन कुल मिला के जो फिगर है वो हमारे पास 19 स्टेडियम्स हैं
जेएंडके के पास। नेक्स्ट है हमारे पास 23 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 3 इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं और 43 गवर्नमेंट मेंटेन प्लेइंग फील्ड्स हैं। सो गाइस अगर हम स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की बात करें कि कितनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जेएंडके के पास, कुल मिला के जेएंडके के पास 40 ऑफिशियल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं, जिसमें मैंने कुछ मेंशन की हुई है यहाँ पे, जैसे कि जेएंडके क्रिकेट एसोसिएशन, जेएंडके फुटबॉल एसोसिएशन, जेएंडके योगा एसोसिएशन, जेएंडके साइकिलिंग एसोसिएशन। तो ऐसे करके 40 जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स जीके क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइज ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए 9-year-old गर्ल तजम्मुल इस्लाम फ्रॉम बांडीपुरा कश्मीर बिकम्स वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियन एंड वन गोल्ड मेडल। तो गाइस जो वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियन है इनका नाम है तजम्मुल इस्लाम, ये बांडीपुरा कश्मीर की है, वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियन है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये जो इवेंट हुआ था ये इटली में इवेंट हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियन बनी थी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास गुल मुस्तफा देव, ये एक फर्स्ट इंडियन ओलंपियंस हैं जिन्होंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया था विंटर ओलंपिक गेम्स में, और ये फर्स्ट कश्मीरी ओलंपियंस हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास चैन सिंह जो है ये इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2014 में एशियन गेम्स में। इसके अलावा इन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं ये साउथ एशियन गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास मेहराजुद्दीन वाडू, तो जो मेहराजुद्दीन वाडू हैं ये एक फार्मर फुटबॉलर हैं और करेंटली ये असिस्टेंट कोच हैं हैदराबाद फुटबॉल टीम के। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर शर्मीन टू बिकम जेएंडके फर्स्ट फीमेल स्नो रेसर, तो ये डॉक्टर शर्मी ने ये जेएंडके की फर्स्ट फीमेल स्नो रेसर हैं और ये इवेंट हुआ था 10 जनवरी 2018 को और जो ये रिट्राइव्ड हुआ था 4 फरवरी 2018 को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इरफान पठान होल्ड्स क्रिकेट सिलेक्शन इन जेएंडके क्रिकेट टीम, तो गाइस 7 सितंबर 2018 को ये रिट्राइव्ड हुआ था और इन्होंने ज्वाइन किया था 30 अप्रैल 2019 को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास अब्दुल मजीद करकू, तो गाइस जो अब्दुल मजीद करकू हैं ये एक रिटायर्ड इंडियन फुटबॉलर हैं और ये फर्स्ट जेएंडके के फुटबॉलर हैं जो कि इंडिया टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं ड्यूरिंग 1987 नेहरू कप। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास क्विज, तो गाइस एक बार आप इस क्विज को अटेम्प्ट कर लें तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो गाइस पार्ट 2 में इसके जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज रह गए हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और जो पार्ट 2 होगा वो कंप्लीट एमसीक्यूज पे होगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।